बारिश होते ही सड़क झील में हुई तब्दील। गड्ढेनुमा सड़क अपनी मरम्मती का कर रहा इंतजार। नवादा जिले के हिसुआ शहर में सड़कों की हालत बदतर है। शासन प्रशासन को इनकी सुध नहीं है। हिसुआ नगर में अगर सड़क की बात करें तो यह हमें 90 के दशक की याद ताजा कर जाती है। सड़क दिखती कहाँ है साहब, यहाँ तो केवल गड्ढे ही गड्ढे दिखाई पड़ते हैं और अगर बारिश हो गई तो सड़क झील बन जाती है। आम लोगों का तो हाल बेहाल है। इन कमियों की शिकायत लेकर जाएं तो कहां जाएं? कौन सुनेगा इनकी फरियाद, कौन दिलाएगा इनको इन समस्याओं से निजात? हिसुआ विश्व शांति चौक से राजगीर रोड में तो सड़क ही गायब हो चुकी है, केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिसके कारण आम लोगों को नित्य रोज दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। जहां कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता है जिस दिन 2-4 मोटरसाइकिल सवार या पैसेंजर से लदा ई रिक्शा नहीं पलटता हो। इस रोड से गुजरना मतलब खतरे को आमंत्रित करना है। इस रोड में चौक से लेकर महालक्ष्मी टॉकीज तक, बस पड़ाव से लेकर छोटे छोटे वाहनों का सड़क किनारे कब्जा है। रही सही कसर फुटपाथ पर अवैध कब्जा पूरा कर देती है। एक ओर सड़क पर गड्ढा तो दूसरी ओर सड़क किनारे से अतिक्रमण। ऐसे में बुद्ध सर्किट का यह पथ हमेशा जाम का शिकार रहता है। इसके लिए अधिकारी भी जिम्मेवार है, जिसका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। बता दें कि हिसुआ बाजार का यह सड़क राजगीर से बोध गया तक जाती है। इस रास्ते से नित्य रोज सैकड़ों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों का वाहनों से आना जाना लगा रहता है। उन्हें भी यहां पर इन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जबकि इस चौक से थाने की दूरी मात्र 200 मीटर के आसपास है। बावजूद हिसुआ का हाल बिल्कुल बदहाल है। इसे इंतजार है उस मसीहा की जो इसे इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके। हिसुआ से राकेश रोशन की रिपोर्ट। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्या नाम है सर आपका? निवास कुमार। हिसुआ में क्या समस्या था? बहुत जाम की क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। क्या समस्या है? समस्या यहाँ विगत पिछले 2 महीना से लगातार जाम का सामना करना पड़ रहा है और पब्लिक इतना परेशानी हो रहे हैं और कोचिंग संस्थान और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी की सामना करना पड़ता है और मरीज जो है एम्बुलेंस जाती है एक एक डेढ़ घंटा तक यही जाम में फंसा रहता है, इसके कारण मरीज की यही मृत्यु हो जाती है और इस पर पुलिस प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। बस उनको करप्शन चाहिए, उनको पैसा चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। बालू माफिया हैं जो उनको पैसा पहुंचाते हैं थाना में और दारू भिजवाते हैं, यही सब उनका भी काम है। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? नाम मेरा मुकेश कुमार हुआ। क्या समस्या सर? समस्या है यहाँ जाम की बहुत बड़ी समस्या है, अतिक्रमण को लेकर करके जाम की समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। ये हमारी रही विश्व शांति चौक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाम कितनी ऊंची है, लेकिन यहाँ की जगह यहाँ से विश्व शांति चौक से लेकर के महालक्ष्मी हॉल तक कि देखने की समस्या है। इतनी बड़ी बड़ी गड्ढे हैं कि हमेशा बाइक ऑटो टेम्पू बराबर पलटते रहती है और इसी समस्या बनी हुई है। इसे देखने वाले हमारे कोई नहीं है। जी क्या समस्या सर? जाम का तो समस्या है, जाम जैसे अतिक्रमण के। क्या नाम हुआ आपका? हेमंत राज। क्या समस्या है हिसुआ में? हिसुआ में पहला समस्या तो ये कहना चाहें कि यहाँ 10-20 मिनट भी अगर बारिश हो जाता है तो सारे रोड पे पानी जम जाता है, ना कहीं घर का नाला है पानी का निकास के लिए। नरहट रोड में आज भी जाइए आप, कलम देखें नरहट रोड में करीब 1-1 फीट पानी जमा हुआ था, लगभग 10-20 मिनट आधा घंटा के लगभग बारिश हुआ, उसके बाद सारा कीचड़ रहता है। और हम सेकेंड टॉपिक मेरा यह है कि उस में टोटो और ऑटो वाला अति करके रखा है, साथ में बस स्टैंड भी जो है
क्या समस्या है? समस्या यही है सर, मेरा नाम अभ्यास कुमार है, मैं सरकारी हॉस्पिटल में कुरियर का काम करता हूँ प्राइवेट से। समस्या यह है कि बारिश होने से काफ़ी गड्ढा भर जाता है। एक समय जा रहे थे, मेरे पास कैरियर लटका हुआ था, गाड़ी पलट गया, गड्ढा ऊँचा नीचा समझ में नहीं आया, कैरियर पूरा लेट गया। बगल वाला बस आया तो सीधा का मेरा सारा कपाल लेट गया, हम लोग के जाम हो गया, पूरा रोड इधर उधर बाधित हो गया, उधर में पब्लिक लोग का बहुत सारा कपाल लेट गया, सभी लोग फंस गया। उसके दो बार देखे कि टोटो जा रहा था, टोटो पर खाद लोड था, पलट गया, आज सब मिल गया इस जगह में। तीसरा है कि सर टेम्पू वाला जा रहा था, उसका पट्टी मार दिया, रिक्शा वाला पट्टी मार दिया। येसुआ में क्या समस्या है? येसुआ में यहाँ से नरहट रोड से ले करके वहाँ महालक्ष्मी टाकिस तक इतना में सारा गड्ढा है कि आए दिन यहाँ पर हर समय एक्सीडेंट, एक दो तीन गाड़ी का एक्सीडेंट होते रहता है। स्थिति बदतर है, आए दिन येसुआ चौक तो पूरा जाम रहता है, पूरा दिन जामे जाम रहता है। प्रशासन है तो वह धोए रहता है, देखना सुनना कुछ है नहीं, यहाँ पर पब्लिक परेशान रहता है। शिकायत कहीं किए थे कि नहीं किए? शिकायत प्रशासन को देखना चाहिए ना, शिकायत तो हो जगह गया लेकिन तो प्रशासन जागे तब तो। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। क्या समस्या है? समस्या ये गड्ढा का समस्या है, बारिश होती है तब गड्ढा समझ में नहीं आता कि कितना गड्ढा है, इसमें लोग बार बार फंसते जा रहे हैं, मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं।